जी भाई मोबाइल में उधर मत लगा क्या मतलब। अच्छा लगता है कि एक जब फैमिली सब मिलती है कि मैंने हमेशा ये बोला है कि एक अच्छी टीम वो होती है जो बहुत मेहनत भी करती है बट टाइम के साथ ऊपर वाले को खुदा को थैंक यू फैमिली। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये मानना है कि कुछ मॉम एंड आई बिलीव तो ये पार्टी मॉम और मैं होस्ट कर रहे हैं। हमारा मानना ये है कि कोई भी यूनिट की या कोई भी शो की तरक्की सब तब होती है जब उनके वर्कर्स उनकी जो यूनिट जो क्रू होती है वो खुश रहती है और उनकी वजह से ही बरकत मिलती है। सुप्रदी थैंक यू सारे हमारे वर्कर भाई सारे हमारी यूनिट सारे हमारे फेडरेशन हमारे भाई लोग जूनियर्स एवरीबडी जो एक पूरी टीम बिहाइंड द सीन जो काम करती है उनकी दुआएं उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ये कंपनी ग्रो करी और हम सब ग्रो करें एंड ऑफ कोर्स टू एवरीबडी एंड फर्स्ट आई जस्ट स्टार्ट विद द यार इतना बिलाल पीछे कर लेना क्या दिक्कत है यहां से अपनी लाइट चला मार दूंगा लाइट बिलाल बहुत अरमान कर रहा है। अरे आज ही देख दिखा दिए हेलो या ब्रिलियंट राइटिंग टीम वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टिल राइटिंग द शो आई वाज द यंगेस्ट इज भावना राइटिंग ऑल द ब्रिलियंट शोज एंड ऑफ कोर्स द अदर राइटर्स आर सम ऑफ देम आर नॉट देयर बट टू द एंटायर क्रिएटिव राइटिंग डायरेक्शन रोमिक इज देयर द डीओपीज आर देयर आर ए विवेक रंजीत जी एवरीबॉडी सपोर्ट इज देयर ऑल आर डायरेक्टर्स आर देयर बट आज एक स्पेशल फैसिलिटेशन कर रहे हैं फर्स्ट टू स्वाति जी बिकॉज आई हाउ मेनी नंबर ऑफ इयर्स स्वाति जी हैज कंसिस्टेंटली वर्क और इतने प्यार से टीम को इंस्पायर करना एंड हमारा बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड स्वाति जी एंड बड़े बट यू आर पार्ट ऑफ डीकेपी विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ आवर टीम एंड थैंक यू सो सो मच टू बी द सिंगल मोस्ट आर्टिस्ट on the set has been such a great honor for us. Really. Thank you so much. Thank you so much. You don't have to thank me because you don't have to thank me. I am part of the DKP family now and always forever. So I don't consider myself not part of DKP ever. So please don't thank me. And I am very grateful that I had such lovely 7 years in Ye Rishta. Thank you so much. And hamari sari Rishta ki team, Sameer, Sunil, Sonu, all the brilliant behind the scene teams are there. Great. Second, ek insan jo I think everybody has been a great pillar and support. बट एक इंसान की मैं मतलब जो इंस्पायर करता है इनफैक्ट जस्ट मन का अगेन आई वॉज टेलिंग द चैनल फेथ सचिन जी सो सचिन जी की मैं खासियत बताता हूँ जो इतनी मूविंग है कि So, इतने फेजेस आए शो के इतने अप्स एंड डाउन्स आए बट सचिन जी का हमेशा था कि लाइक यू नो ये शो चलेगा हमें एक नोटिस आ गया कंफर्म जाने वाला है एंड आई डोंट वांट टू टेल एवरीबॉडी नो बिकॉज़ थोड़ा मन उदास होता है शो जाने वाला है ये वो 2 महीने में जाने वाला था एक ऑलमोस्ट अनऑफिशियल नोटिस आ चुका है। I go on the set and I the team that told me, I said, यार मुझे बुरा लग रहा है सचिन जी बैठे उनका हॉलीडे था उस दिन आई थिंक संडे भी था सचिन जी बैठे he loves to make his own makeup room, you know, and he's always made it, created it by himself, his designing is brilliant. But हमें शूट करना चाहिए बड़े शौक से दिल से अपना घर की तरह वो उन्होंने पूरा बनाया तो मैंने बोला सचिन जी ने बोला मैं यहाँ से बोर्ड मंगाई वो करा है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वर्कर्स लगे हुए ब्यूटिफुल आई सेड फेल्ट सो बैड
ऐसे को कैसे बोलो कि यार दो महीने में शो बंद हो रहा है, इतना खर्चा कर रहे हो, वट एवर। देन आई टोल्ड हिम सचिन जी थोड़ा गड़बड़ है, ही सेड दादी जी शो बंद हुआ है, एक डेढ़ साल पहले की बात, एक साल पहले क्या दिसंबर ये शो बंद होगा। तो मैंने मुझे वो कहानी याद आई, यू नो दैट वो बारिश वाले ऑन द ट्रेन, या समबडी सेड मेबी कैरीज द अम्ब्रेला बिकॉज़ ऑफ फेथ था। I always take Sachin as an example in the channels also, to teams also, कि faith और वो belief रखना, उससे हम inspire होते हैं, you know? Like Devra साहब मानो, Isha, Devra साहब, Mansi Manojya, since years with us, you know, Nikhil, all the teams are here. और एक खासियत इनकी ये है, जो बाकी सब में भी है, but sir, कुछ भी हो, voice over करना हो, a lot of other than that also, voice over. अलबेला में मैं ये सीन करूंगा, दो दो मिनट का भी सीन है मैं ये करूंगा, आईकुटे में भी कुछ है तो मुझे पता। एंड देन आई टोल्ड सचिन जी एक एक पेमेंट होती है, कुछ होता है, बिकॉज यू कीप ऑन डूइंग दिस अपीयरेंसेस फॉर आवर्स एंड एवरी थर्ड फोर्थ डे सर ये वॉइस ओवर है। हम कभी पायलट्स बनाते हैं, शोरियल्स बनाते हैं, उसका भी पूरा दो दो घंटा स्टूडियो में जाके पढ़ना, अडैप्ट करना। एंड मैंने उनको बोला सर क्या करते आप, क्या करते हो कुछ तो, यू नो एक देयर इज एन अमाउंट, यू नो बिकॉज यू आर अ प्रोफेशनल। इसे राजन जी ये मेरे घर की कंपनी, इतना इन्होंने काम कर कि हमको खुद एक बार शर्म आने लगे कि इनको बोलेंगे नहीं बोलेंगे, बट इतना कॉन्फिडेंस देते हैं, मतलब आई रिमेंबर देयर आर टाइम्स।